चलिए मित्रों नमस्कार, देखते हैं जीन प्याजे 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म और 16 सितंबर 1980 को मृत्यु। एक इसकी ईस्वी जो है हमें याद रखनी है कि 96 में जन्म हुआ और 1980 में मृत्यु हुआ, तो लगभग कितने वर्ष जिए? 84 वर्ष। चलिए नोट्स के माध्यम से देखा जाए, देखिएगा इन्होंने जो सिद्धांत दिया डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञान के विकास के बारे में इनका सिद्धांत है। और दूसरा ना जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जैविक मुमूर्षा, जैसे जैसे भौतिक वातावरण के संपर्क में आते हैं बच्चे, उम्र बढ़ती जाती है, उनमें मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आती है और संज्ञान का विकास होता है। यानी कि जैविक जीव वह है जिसमें संज्ञान हो, जैविक मुमूर्षा, तो जैविक मुमूर्षा आप याद रखेंगे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जैविक मुमूर्षा। फिर आगे देखें इनकी जो पुस्तक की भाषा एवं विचार, पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, 1923 ईस्वी में, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इन्होंने नैतिक विकास पर द मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड 1932 ईस्वी में लिखा। कब लिखा साहब? 1932 में नैतिक विकास पर, पुस्तक का नाम द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। आगे चलेंगे तो हम लोग कोहलबर्ग के बारे में भी देखेंगे, तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया इन्हीं के सिद्धांत को परिष्कृत किया, इन्हीं के सिद्धांत पर शोध किया। प्रश्न आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याजे ने कहा कि विचार पहले आते हैं, विचार पहले आता है, भाषा बाद में। देखिए भाषा एवं विचार, पुस्तक का जो नाम है उल्टा, द लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज को अगवाया, और वाइगोत्स्की की पुस्तक जाएगी द थॉट एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की पुस्तक का नाम द थॉट, वो उल्टा लिखा दिया, नहीं उल्टा कर दिया है। आपको इस तरह याद रखना है कि प्याजे के अनुसार बात करें तो पहले विचार आती है, भाषा बाद में आती है, लेकिन पुस्तक पूछा जाए तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, तो यह प्याजे। चलिए आगे बढ़े, नैतिक विकास पर देखा आपने, अब देखिए कहेगा वाइगोत्स्की, कल हमने देखा हुआ था, कहेगा कि भाषा पहले आती है विचार बाद में, कौन बोला ये बात? वाइगोत्स्की बोला था ना, हाँ, भाषा पहले आती है विचार बाद में, यानी भाषा का भारी प्रभाव पड़ता है विचार पर, भाषा का भारी प्रभाव पड़ता है विचार पर, कौन कहेंगे ये बात? वाइगोत्स्की। आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पे देवे किए हैं जान के, या हम कह सकते हैं भाषा विचार को निर्देशित करती है, भाषा विचार को निर्देशित करती है। जीन प्याजे 1896 से 1980 स्विट्जरलैंड, स्विस भी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, स्विस जैसे फ्रेंच, फ्रांस बोलते हैं ना, जर्मन माने जर्मनी, तो स्विस के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक। पहले यह जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, पूछा गया है, पहले ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, इनकी दो बेटी एक बेटा पर भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ था, जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, इन्होंने अन्य बच्चों पर शोध किया, अपने बच्चों पर भी शोध किया, एक पुस्तक लिखी जो कि सबको बहुत अच्छी लगी, प्रकाशित हुई और इन्हें मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त हो गया। प्याजे ने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दिया। नोट, थॉट विचार पहले आती है, लैंग्वेज भाषा बाद में आती है इनके अनुसार, तो विचार पहले भाषा बाद में, या फिर हम कह सकते हैं पहले संज्ञानात्मक भाषा
पहली कौन सी भाषा? संज्ञानात्मक भाषा। अंदर जो चल रही है, कलम ने बताया था, एक तरफा होता है विचार, आंतरिक गतिविधि। तो आंतरिक संज्ञान हुआ कि नहीं, तो पहले संज्ञानात्मक भाषा आती है, फिर सांकेतिक यानी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा बाद में, पहले संज्ञानात्मक भाषा, बाद में सिंबॉलिक लैंग्वेज। आखिर लिपिबद्ध संरचना सिंबॉलिक तो है साहब, संकेत लिपिबद्ध संरचना। तो लिखित बाद में डेवलप होती है। पुनः आगे देखें, संज्ञान वह है, संज्ञान कॉग्निशन वह है जिसमें संवेदना सेंसेशन कुछ सीख लिया आपने, तो आप में सेंसिटिवनेस आ जाती है, किसी काम के प्रति जागरूकता आ जाती है। अरे वाह मैंने सीख लिया, वाह मैं तो बन गया मेरा, वाह 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 मुझे आ गया, आई गॉट इट। अपने आप में संवेदना, प्रत्यक्षण प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन मतलब देखना। जब भी जीवन में समस्या आती है आप अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, बोले तो परसेप्शन करते हैं। प्रतिमा, मन मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है, प्रतिमा चित्र बन जाता है। धारणा, उस समस्या के प्रति एक कॉन्सेप्ट का निर्माण होना, कॉन्सेप्शन धारणा। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, समस्या समाधान चिंतन थिंकिंग करते हैं। तर्कना, तर्क वितर्क करते हैं। तो आप देख रहे हैं संज्ञान वह है जिसमें क्या क्या बोलिएगा, संवेदना अवलोकन प्रतिमा धारणा समस्या समाधान चिंतन तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल एक्टिविटीज सम्मिलित हैं। ये सभी संज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आगे हम लोग देखेंगे संज्ञान को भी महासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन निर्देशित करेगा। कौन? मेटा महा वाला महासंज्ञान, जिसके अंतर्गत सारी गतिविधि आ जाएगी, तर्क वितर्क संज्ञान वगैरह सबको निर्देशित करेगी। तो इतनी बातें याद रहेंगी, सेंसेशन परसेप्शन इमेज कंसेप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रीजनिंग संज्ञान के अंतर्गत। पुनः आगे देखें, तो इन्होंने बच्चों के विकास का सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया, इसीलिए इनको बाल मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, पिता, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट में तब तो चले जाएंगे, यहां बात है बाल मनोविज्ञान का पिता। तो बाल मनोविज्ञान का पिता, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जनक माना जाता है किनको, जीन प्याजे को। इनका मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, मतलब बायोलॉजिकल रूप में जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, जैविक, ये जैविक शब्द आप ध्यान दीजिएगा, जैविक शब्द आपको पूछता है निम्नलिखित में कौन से ऑप्शन सही है या गलत है, तो जैविक परिपक्वता यानी किसी जीव में मैच्योरिटी आती है, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, मैच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे बच्चे का संज्ञान आत्मक विकास होता रहेगा। इनकी शिक्षा का मुख्य क्षेत्र जैविक मोर्चा है। शिक्षा का मुख्य क्षेत्र क्या है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्या? ज्ञान की उत्पत्ति का अध्ययन जैविक मोर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान जो उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, उसका जो बेस है, आधार है, वही है आपका कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। इसके बारे में भी पूछा गया जैविक मोमोर्शा निम्नलिखित में क्या है, तो ज्ञान की उत्पत्ति का आधार है। आइए, इन्होंने फ्रांस पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षण यानी निरीक्षण किया और पाया कि बच्चों के उत्तर बड़ों से गुणात्मक रूप से, कैसे गुणात्मक, गुण या प्रकार में क्या अलग बोलिएगा, क्वालिटेटिव या क्वालिटी या काइंड में डिफरेंट लेकिन क्वांटिटी में सेम,
मात्रात्मक या मात्रा, बोलिएगा मात्रात्मक या मात्रा, अमाउंट में एक समान एक जैसे। नहीं समझे? देखिए मात्रात्मक आप जानते वृद्धि को कहते हैं और गुणात्मक साथ साथ मात्रात्मक विकास को कहते हैं पहला चैप्टर के अनुसार। और बात करें जब मापा जा सकता है किसी को तो वो मात्रात्मक कहलाता है, परिमाणात्मक है ना, संख्यात्मक, 1 kg, 2 kg, 3 kg। लेकिन जब गुण की बात करें जैसे भेजे में कितना संज्ञान है, क्या मैं अभी देख के बता सकता हूँ इनके अंदर इतनी बुद्धि है, इनके अंदर इतनी बुद्धि है, गुण है साहब, और सभी में गुण अलग अलग पाए जाएंगे, बताइए। यस, तो गुण अलग अलग, गुणात्मक अलग अलग और मात्रात्मक सेम। कितना खोपड़ी है? 1। कितना हाथ है? 2। कितना चश्मा है जी? 1 चश्मा है। तो याद क्या हुआ, आपने क्या याद रखा? क्वालिटेटिव डिफरेंट, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी अमाउंट हमारा सेम होगा, है ना। आगे पुनः पढ़े मैडम जी फिर से। इन्होंने पेरिस में कुछ बच्चों का परीक्षा निरीक्षण किया और पाया कि बच्चे के उत्तर बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न अलग अलग एवं मात्रात्मक समान होते हैं। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के गुणों के बारे में अपने दिमाग में सही संप्रत्यय प्रत्यय अवधारणा, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे ही वस्तु के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में आप में फिर मैच्योरिटी आ जाती है, किसी कोचिंग की वास्तविक समझ, यानी किसी वस्तु के गुण के बारे में अपने दिमाग में सही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बना लेता है। होता है ना ऐसा, शुरू में बच्चे को धर्म के बारे में ज्यादा समझ नहीं होती है, धीरे धीरे वह परिपक्व होता है, मैच्योरिटी आती है, यानी क्षमताएं विकसित होती है। परिपक्वता का मतलब क्षमताएं विकसित हो जाना। ऑप्शन में देगा परिपक्वता का मतलब शरीर का हाथ पैर बड़ा हो जाना, यानी शारीरिक वृद्धि हो जाना। साहब क्षमता से एबिलिटी से निर्देशित है। तो आपने देखा जैसे जैसे बड़ा होता है प्रत्यय को ही अवधारणा या ज्ञान या संप्रत्यय कहते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेता है। उदाहरण, जब बच्चों से किसी भी वस्तु के गुण के बारे में पूछा जाता है बच्चे अपनी अहम केंद्रिता, अहम अन्यता या स्व केंद्रिता, ईगो परसेंट्रिसिज्म, ईगो परसेंटर्ड व्यवहार, ईगो सेंट्रिसिज्म के अनुसार उसके बारे में उतना ही बता पाता है जितना उसके भेजे में संज्ञान में है ना, उतना ही बता पाता है इसे में। तो धीरे धीरे परिपक्वता आएगी और बेहतर बता पाएगा समाज से जुड़ते जुड़ते, तब फिर अहम केंद्रित नहीं सामाजिक केंद्रित वह व्यवहार करके संज्ञान को प्रस्तुत करेगा। परंतु धीरे धीरे वे जब भी बड़े होते हैं तो ये सभी भ्रांति संभ्रांति, भ्रांति को क्या बोलते हैं? संभ्रांति। बोले तो मिस कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में, मिस संभ्रांति से भी कई सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, दूर हो जाती हैं। बच्चे शुरुआत में वस्तुओं के गुणों के बारे में गलत संकल्पना बना लेते हैं, परंतु धीरे धीरे उनमें परिपक्वता मैच्योरिटी आती रहती है और वे इस गलत संकल्पना को भी सही कर लेते हैं वातावरण से जुड़ते हुए, तो सही कर लेते हैं परिपक्वता आने के बाद। तो परिपक्वता पर ज्यादा फोकस किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो पहले बच्चे में इनके अनुसार आप जानते हैं विकास पहले, विकास पहले, अधिगम बाद में, पहले परिपक्वता और फिर उसके बाद संकल्पना यानी अधिगम लर्निंग। पुनः आगे पढ़ते हैं पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने भौतिक संसार फिजिकल वर्ल्ड में सक्रिय, सक्रिय को क्या बोलेंगे? खोजी, खोज करता। मोबाइल को पानी में डाल दिया, कभी बर्तन में सुसु कर दिया, कभी इलेक्ट्रिक वायर को छू लिया, कभी सॉकेट में उंगली डाल दिया, क्या साहब वैज्ञानिक नन्ना अन्वेषक खोज कर रहा है, उंगली डालेंगे इस सॉकेट में तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, मम्मा का झोटो खींच लेंगे तो क्या होगा, मोबाइल को पानी में डाल करके देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है। छोटे बच्चे आपने देखा हो मोबाइल को पानी में डालते हुए, खिड़की के बाहर फेंकते हुए देखा होगा ना, हाँ।
तो बच्चे में मौलिक चिंतन समझिए होता है, बच्चे में खोजी व्यवहार होता है, और जो भी गतिविधि करेगा वो सक्रिय हुआ ना, तो बच्चे कैसे होने चाहिए? सक्रिय आपका पासवर्ड है, एक्टिव पार्टिसिपेंट, ज्ञान निर्माता। बच्चा क्या होता है जी? ज्ञान का निर्माण करता। जैसे न्यूटन ने ज्ञान का निर्माण किया, कॉन्सेप्ट दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? तो उसी प्रकार बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं, यानी रचनावादी होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, रचनावादी, या नन्हे अन्वेषक, या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अन्वेषक का मतलब क्लियर कर दिया हमने, एक एक शब्द को क्लियर करेंगे दोस्तों। जो अपने ज्ञान की रचना यानी सृजन, क्रिएशन, भौतिक संसार से जुड़कर, किससे? फिजिकल वर्ल्ड से जुड़कर कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं। किसके साथ? वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं किसी चीज को, कार्य को करने का ढंग, कमीज का बटन कैसे लगाते हैं, कौ को कैसे लिखेंगे, मम्मा पापा से कैसे बातचीत करना है, ये सभी क्या है? अनुकूलन ही तो है। अनुकूल करना, अपने आप को वातावरण में ढल जाना, अनुकूलन है। अनुकूलन का दो बेटा आगे चल के देखेंगे हम लोग, आत्मशातीकरण और समायोजन, एजिमिलेशन, एकोमोडेशन करते हैं, यानी अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ये लाइनें देख रहे हैं आप, डिट्टो पूछा जाता है, अपने ज्ञान की रचना बालक स्वयं करता है, ठीक। पुनः आगे देखें, ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। प्याजे के अनुसार, जी मैडम, प्याजे के अनुसार बच्चे अपनी दुनिया के बारे में लगभग सभी सूचनाएं अपनी गतिविधियों से अन्वेषण, निर्माण, उपागम, रचनावादी, सृजन। गतिविधि का मतलब एक्टिविटी, कुछ करना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, चाहे कलम से चित्र ही क्यों ना बनाना हो, गोजा गोजी करना, गतिविधियों से अन्वेषण, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन करते हुए प्राप्त करते हैं क्या? सूचनाएं, जानकारी। इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का क्या? निर्माणवादी सिद्धांत, निर्माणवादी उपागम, या रचनावादी उपागम, या सृजनात्मकतावादी उपागम। सृजन मने ज्ञान का सृजन करना, भगवान ने हमारा सृजन किया, भगवान ने और बच्चे ने, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बड़ा होके किया ना जी। और बात करें बच्चे में क्या क्या निर्माण करता है, महात्मा गांधी की टोपी, जहाज, उड़नी जहाज, चकड़ी, तरह तरह के पेज फार करके गतिविधि करता है, सृजन करता है वस्तुओं का, और ज्ञान का सृजन हो जाता है, ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो निर्माणवादी उपागम कह दिया, कंस्ट्रक्ट, क्या है यहां तक, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, क्या दिक्कत है? अभी नहीं, निर्माणवादी के अंतर्गत आपके प्याजे आ जाएंगे, वाइगोत्स्की आएंगे, कोहलबर्ग आ जाएंगे, ये सभी क्या होंगे? सृजनात्मकतावादी यानी संरचनावादी होंगे, निर्माणवादी माना जाएगा। आगे एक व्यवहारवादी देखेंगे हम लोग, बिहेवियरिस्ट, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, आईपी पावलोव, वो जो बच्चे को खाली बर्तन बताते हैं, जब भी ऑप्शन में मिलेगा ना ये सब, एकदम पासवर्ड के रूप में समझिएगा, रचनावादी, निर्माणवादी, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे करके अपने ज्ञान का सृजन करते हैं।
नोट, कॉग्निशन इज कंट्रोल्ड बाय मेटा कॉग्निशन, संज्ञान को भी कौन निर्देशित करता है? महासंज्ञान बोलिएगा, अधिसंज्ञान बोलिएगा, परासंज्ञान। ये सारे वर्ड सीटेट ऑनलाइन में पूछ लिए गए हैं। क्या करता है संज्ञान को? नियंत्रित करता है। कौन? मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन को कंट्रोल करता है। ठीक, प्याजे के संज्ञात विकास के संप्रत्ययों का वर्णन निम्न प्रकार से है। यहाँ तक में बातें क्लियर हुई? बच्चा नन्हा ज्ञान सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं करता है, गतिविधियां करते हुए भौतिक संसार पर क्रिया करते हुए। नन्हे अन्वेषक ये तरह तरह के वर्ड जो बोल्ड में है एकदम रामबाण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे संप्रत्यय का निर्माण कैसे कैसे, एडप्टेशन एजिमिलेशन वगैरह, स्कीमा। स्कीमा क्या? ब्लॉक्स या पैकेट या हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे जूते का फीता बांधना करने का एक ढंग है ना, किसी रोटी बेलना एक तरीका है। तो क्या होता है स्कीमा? किसी भी कार्य को करने का तरीका। मोबाइल में, मोबाइल में भी देखिए, मोबाइल में भी गतिविधि को करने का तरीका होगा। अर्थात ये स्लाइड किए फिर स्लाइड, एक प्रकार का सिस्टमेटिक वे है, तरीका है। उसी प्रकार हम भी जीवन में अपने कार्य को करते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो सूचनाओं के घर को, सूचनाओं के भंडार घर को क्या कहा जाता है? स्कीमा। सूचनाओं का भंडार गृह या सूचना का घर, बोले तो ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा, स्कीमा, स्कीमाटा। चलिए, इज कॉल्ड स्कीमा। यदि हम बात करें इक्विलिब्रेशन, साम्य धारणा, संतुलीकरण, संतुलन, एक ही चीजें हैं। जीवन में हम जब भी किसी समस्या का समाधान करते हैं तो आत्मसातीकरण और समायोजन की मदद लेते हैं। ये सही है कि ये गलत है, मुझे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, तो संतुलन स्थापित करते रहते हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। यही तो इक्वल कर देना इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इज विच चाइल्ड क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन, बैलेंस बिटवीन किसके बीच? एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन समायोजन के बीच संबंध स्थापित करता है। आत्मसातीकरण समायोजन, पहले तो अपन लोग जो है पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं। आइए अनुकूलन, अपने संप्रत्यय को देखिएगा किन किन चरणों से बताया। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, किसके अनुसार? साहब खचाखच बस बड़ी हुई है, चार गो आदमी मोट मोट बैठल है, फिर भी गए एकदम भाई जी उधर खिसकी है ना, बड़ी बेराम है, मन बड़ी जोर कमजोर खराब है, बैठा एकदम आगे चल के कबजी आ गया एकदम सबसे, ब्रेकर जब आया तो पता चला ओकरे से। उसी प्रकार से गंजी फटा हुआ है, कोई बात नहीं, ढाल लिए अपने आप को भीतर में, किए देखने जा रहा है। तो वातावरण में पूरी जिंदगी कलम खत्म आ गया, फूकते ढाल लिया, जैसी परिस्थिति है उसी में अपने आप को ढाल लेना, बोले तो एडजस्ट कर लेना, क्या है? अनुकूलन है। ठीक, अपने आप को ढालना अनुकूल कहलाता है, अनुकूल कर लेना। To adopt oneself according to one's environment, जैसा माहौल वातावरण उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना adaptation। बच्चों में वातावरण के साथ adjust करना समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बच्चों में जन्मजात प्रवृत्ति क्या होती है? adjust करने की। अब देखिए दो रोटी खाते हैं, दो रोटी अब नहीं बचा, उस दिन आधी रोटी है, तो माताएं लोग देखते होंगे आधे रोटी खा करके पानी पी लेता, एडजस्ट कर लिया ना। उसी प्रकार आपके भी जीवन में जो है जैसा है उसी में स्वीकार करके अपने आप को ढाल लेते हैं।
तो वंस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडप्ट कर लेना एडप्टेशन है। बच्चों वातावरण के साथ जन्मजात करने की प्रवृत्ति होती है, यह भी लाइनें देखें और प्याजे के अनुसार सही है। प्याजे के अनुसार अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन की कितनी उप प्रक्रियाएं हैं? दो। पहला आपका आत्मसात, आत्मसातीकरण, आत्मसात या सातमीकरण, बोलिएगा आत्मसात या सातमीकरण या आत्मसातीकरण, आत्मसातकरण, इंग्लिश में एक नाम एसिमिलेशन, क्या मिक्स कर लेना। दूसरा समायोजन, स्मंजन, एकोमोडेशन। दूसरा समायोजन, आत्मसातकरण यहां पर समावेशन दे दें और इसको भी समझें लगे हाथ तो समझिएगा कि इंग्लिश आपको देख लेना है, वहां पर इनके चक्कर में नहीं रहना है, हिंदी के चक्कर में। अब समझिएगा, पहला हमने आत्मसातीकरण, पहला क्या देखा एसिमिलेशन, बोलिएगा एसिमिलेशन। दूसरा क्या देखा? एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। तो क्या होता है जब पूर्व सूचना के आधार पर, पूर्व देखिए आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, यानी पूर्व संप्रत्यय नए संप्रत्यय में मिला देना, मिक्स कर देना साहब, एसिमिलेशन कहलाता है। और पहले यदि गलत कॉन्सेप्ट था और नए में कॉन्सेप्ट हमने लिया, बोले तो हमारा तब एकोमोडेशन कहला जाता है। पूर्व जानकारी के आधार पर नई सूचना में फेर बदल कर देना एकोमोडेशन कहलाएगा। देखते हैं आत्मसातीकरण या सातमीकरण, एसिमिलेशन इतना तो याद रखिए। चलिए बोलिएगा एसिमिलेट मतलब मिक्स कर देना, प्री नॉलेज, बोलिए न्यू नॉलेज, बोथ मिक्स, बोलिए एकोमोडेशन समायोजन। प्री नॉलेज के आधार पर, प्री न्यू कॉन्सेप्ट के आधार पर, न्यू के आधार पर नई सूचना, नए संप्रत्यय के आधार पर प्री नॉलेज में फेर बदल करके, संशोधन करके, सुधार कर लेना, यानी पहली वाली को छोड़ करके नयके वाले से ब्याह कर लिया हो। और जब दोनों पत्नी साथ साथ रहता, एसिमिलेशन है। आइए इतनी बात समझ गए, अब लाइनों को देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। ये तो फकैती वाला गप हो गया, आत्मसातीकरण मिक्स वाली बात है, ठीक है पढ़िएगा मैडम। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ऐड या मिला देना। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्मृतिमा में, सुनिए अपने अनुभवों को, अभी जो आपके पास अनुभव है पूर्व वाला ना है, पूर्व वाला एक्सपीरियंस, तो अनुभव का मतलब पूर्व, और फिर क्या बोला वर्तमान, वर्तमान मतलब नवीन, नया में समाहित, क्या है सन्निहित, मतलब कि मिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं, इसका मतलब प्रकट हुआ। लाइनें दे दी जाती, पते नहीं होता है पूर्व अनुभव वर्तमान, इसकी दिमाग की दही बन गई यार, समझिए पूर्व अनुभव प्री वाला और न्यू वाला, इधर वर्तमान स्कीमा में समाहित कर लेते हैं, यानी पहले वाला ज्ञान और नया वाला ज्ञान मिला लेते हैं, क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं, मिलाकर नई जानकारी, सूचना या संप्रत्यय या अवधारणा का निर्माण करते हैं, आत्मसातीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी बालक समस्या समाधान, जब भी जीवन में समस्या आती है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, या टायर ब्रस्ट कर गया अब क्या करें, टायर का हवा निकल गया अब क्या करें, अब जो है अपन को चिकिए गए हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, सब लाया है बड़की बड़की गिफ्ट, सब लाया है बड़की बड़की गिफ्ट, अपने पास छोटा वाला गिफ्ट, ऐसे जो है ना मुझ भाई किसी तरह चोर वाले अंदाज में जाते हैं। तो आप लोग की बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ,
देखते हैं किसी का गिफ्ट है उसी का गिफ्ट उठा लेते हैं। मैं अपनी दास्तान सुना रहा, आप लोग लती आइएगा नहीं हूं तो। हाँ आप लोग बहुत महान हूं, मैं खच रहा हूं। तो देखिएगा आत्मसाथीकरण कराता, दूसरे शब्दों में जब हम नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं में मेंटल ऑपरेशंस का सहारा लेता है। जैसे जब एक बच्ची पहली बार काले रंग का कुत्ता देखता है, एक बच्चा पहली बार क्या देखा, ये हुआ पूर्व अधिगम, पूर्व अनुभव, क्या हुआ, पूर्व संप्रत्यय। तो वह अपने स्कीमा यानी कि ज्ञान में सूचना ग्रहण करता है कि सभी का कुत्ता काला रंग का होता है, सभी कुत्ता काला रंग। एक साल दो साल का बच्चा घर से बाहर निकला, बुक बुक कुत्ते को देखा, सब कुत्ता काले होता है। आगे वह और जीवन में थोड़ा बड़ा होगा और अगली बार वह सफेद रंग का कुत्ता देखता है। अब अपने स्कीमा में फेरबदल किया, स्कीमा ज्ञान इसकी मेटा में क्या करेगा, फेरबदल, सूचना भी ग्रहण करता है कि कुत्ता केवल काले रंग का ही नहीं सफेद का भी, यानी दोनों जानकारी धारण कर रहा है। और यही आगे चल के अब काला नहीं होता खाली सफेदे होता है, तब एकोमोडेशन, तब एकोमोडेशन एज इट इज में भी, एज इट इज हूबहू जब ज्ञान को धारण कर लेते हैं जैसा का तैसा, तो भी हम लोग एसिमिलेशन में ही जाएंगे। खैर इतनी बातें नहीं, ये बातें तो आपको प्रकट हो चुकी हैं कि पूर्व नॉलेज कुत्ता वाला कॉन्सेप्ट भी आपने देखा, पूर्व में जो जानकारी थी नया जानकारी मिला लिया हमने। अब देखें एकोमोडेशन, समायोजन या समंजन, समायोजन या समंजन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हम जानते हैं जो पूर्व जानकारी में बदलाव कर देते हैं, फेरबदल करते हैं नए के आधार पर, किसके आधार पर, नए के आधार पर, यानी पहले वाला बदल गया नया वाला आ गया, तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए एकोमोडेशन लिखिएगा। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में, पुराना स्कीमा का मतलब क्या हुआ, प्री नॉलेज, पहले से जो नॉलेज है, में परिवर्तन या संशोधन या बदलाव कर लेता है, चेंजिंग कर लेता है, समझ चुके हैं, चेंज कर लिया तो नए वाले को ले लिया, हो गया एकोमोडेशन। फिर भी और समझ लीजिए, पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज को छोड़कर, पूर्व नॉलेज प्री नॉलेज को छोड़कर न्यू नॉलेज ले रहा है, नवीन ज्ञान या नवीन स्कीमा का निर्माण कर देता है, करना शुरू कर देता है, तो वह समायोजन की अवस्था में होता है। वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता एक नए स्कीमा की रचना करता है। अब देखिए ये लाइनें पूछ ली गई हैं। वर्तमान स्कीमा द्वारा, जो भी बच्चे में स्कीमा है, परिवेश को या क्वेश्चन को स्कीमा मतलब नहीं समझ पा रहा है, एक नए स्कीमा की रचना करना। जैसे एक बच्चे के स्कीमा में यह सूचना है, आप पहले से बहुत सारी बातें प्याजे के बारे में जान रहे होंगे, कुत्ते की चार टांगे होती हैं, कुत्ते की कितनी टांगे, चार टांगे, यानी सभी चार टांग वाले क्या होंगे, पशु कुत्ते होते हैं। ये नॉलेज किसी बच्चे के दिमाग में बैठा छोटे उम्र में, परंतु जब वह बिल्ली को देखता है तो वह अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन कर लेता है, चार टांग वाला जितना भी होगा सब क्या होगा, कुत्ता। अरे यार बिल्लियों के चार टांग है, संशोधन कर नए ज्ञान स्कीमा का निर्माण करता है कि चार टांगों वाली बिल्ली होती है। अब उसने कुत्ते वाला नॉलेज छोड़ दिया, तब चार टांग वाला कुत्ता नहीं होता, बिल्ली होता है, बिल्ली क्या होता है, बिल्ली। तो बिल्ली होते हैं अपने न्यू स्कीमा में कैट की सूचना को आत्मसात एकोमोडेट करना करता है, यानी अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर नया ज्ञान का निर्माण करता है, यही तो एकोमोडेशन। खैर इतनी बातें तो बता दिए रिटर्न में, मौखिक जो बताया उसमें भी तो आपका क्लियर हो गया होगा,
जुड़मुख का इतना पढ़ गए। चलिए आगे देखते हैं स्कीमा, स्कीमेटा। ये ऑनलाइन में जो है ना स्कीमेटा शब्द का प्रयोग किया गया था, स्कीमेटा शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिएगा स्कीमेटा, स्कीमा या स्कीमेटा सूचनाओं के सांचे को क्या कहते हैं, सूचनाओं के साचा, सूचनाओं के भंडार घर को बोलिए बोलिए एक्टिव रहिए एक्टिव एक्टिव। हाउस या पैकेट ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमेटा, स्कीमा। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान को बोल सकते हैं। प्याजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु, व्यक्ति और जीवन में परिस्थिति के साथ व्यवहार या क्रियाकलाप, कार्य करने का अलग अलग क्या होता है, ढंग होता है, स्कीमा कहते हैं। स्कीम्स जब बहुत सारे कार्य होंगे तो यही क्या हो जाएगा, स्कीम्स, प्लूरल क्या हो जाएगा, स्कीम्स, स्कीमास, स्कीमास। जैसे एक बच्ची दिनचर्या के हिसाब से बस्ते में किताबें डालती है, जूते फीते लगाती है, उस दिन के हिसाब से ड्रेसअप होती है, कपड़े पहनती है, तो दो तीन गतिविधि आपने देखा है ना। जब एक काम हो तो स्कीमा, और एक से अधिक में प्लूरल में चले जाइए तो स्कीमा क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। साम्य धारण, साम्य धारण, संतुलीकरण, संतुलन, इक्विलिब्रेशन यानी इक्वल करना, क्या है, इक्वल कर देना। देखिएगा साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक किसके किसके, इधर देखिएगा, आत्मशादीकरण, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रियाओं के बीच प्रश्न पूछा जा चुका है, संतुलन बैलेंसिंग करता है किसके किसके बीच, एजिमिलेशन एकोमोडेशन, बोलिए किसके किसके बीच बेटा, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब बच्चा कोई भी नया काम करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रियाएं असंतुलित हो जाती है। नया काम जब आप ही करते हैं, कैसे करें, क्या करें, ओह माय गॉड, तुरंत दिमाग में पहले वाला कॉन्सेप्ट लाते हैं, अरे इस काम को इससे मिलता जुलता है, ऐसे मुझे करना चाहिए। इसे दूर करने के लिए वह, यानी इस असंतुलन को दूर करने के लिए आत्मशादीकरण और समायोजन दोनों का, जिसे क्या कहते हैं, तो मोटे से मतलब में आप छोटे से मतलब में यह समझें, आत्मशादीकरण समायोजन की प्रक्रिया के बीच की संतुलन, असंतुलन को दूर करना संतुलन है, संतुलीकरण साम्य धारण साम्यीकरण है। क्लियर है दोस्त, आइएगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ज्ञान को एकत्रित कर देते हैं, संगठित कर देते हैं, हाँ जितना भी सीखा हो। देखिए बच्चे के मानसिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन या क्षमताओं, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, अर्थात जो भी एबिलिटी है, संरचना है, ज्ञान है, ऑर्गेनाइज कर लेना उन क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अपनी क्षमता को क्या करना, एकत्रित कर संज्ञान का प्रयोग कर देना, क्या कहलाता है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संज्ञानात्मक संरचना। मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया, जोड़ घटा गुना भाग या कोई भी हिसाब बनाते हैं आप मन में क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन एक्टिविटी कर देना, वो संक्रिया नहीं समझ रहे, एक्टिविटी ऑपरेट कर देना, मोबाइल चला रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव ऑपरेट कर रहे हैं। जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए क्रिया या चिंतन करता है, क्रिया या चिंतन, क्रिया मतलब एक्टिविटी, तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। मानसिक संक्रिया के माध्यम से हम किसी समस्या समाधान पर चिंतन करते हैं और समस्या का समाधान कर लेते हैं, संक्रिया कर लेते हैं, ठीक। स्कीम्स क्या है, प्लूरल आ गया ना, किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य, कितने प्रकार के, एक नहीं विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं,
अलग अलग प्रकार के कई सारे कार्य बढ़िया के स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को चार चरणों में बांटा। तो यहां तक हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने यह देखा कि बच्चों का जो सोच है चिंतन है, बच्चों का सोच है जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से एक या विभिन्न गुणात्मक में विभिन्न है ना, गुणात्मक यानी कि उनका जो गुण होता है अलग अलग, सभी बच्चों में अलग अलग गुण वगैरह होंगे ना, लेकिन मात्रात्मक रूप में सेम, मात्रात्मक सेम एक जैसा, मात्रा से गुणात्मक क्वालिटेटिव डिफरेंट, क्वालिटेटिव क्वालिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखें मात्रात्मक सेम डिफरेंट अलग अलग, तो गुणात्मक है साहब, इसको आप चक्राकार कह सकते हैं और इसको आप रैखिक कह सकते हैं। चक्राकार गुण कहीं से भी सीखे जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ चलिए, पुनः हमने देख लिया एकोमोडेशन एजिमिलेशन वगैरह, स्कीमा देखा, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं का भंडार गृह, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था देखेंगे। तो जब बच्चे वातावरण के प्रभाव से हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि भौतिक संसार पर क्रिया करके परिपक्वता आती है, वातावरण के प्रभाव से हमारे संज्ञान या दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है, तो इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार भागों में बांटा, कितने भागों में, चार भागों में बांटा है दोस्त, याद रखेंगे। अब जैसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, इस प्रकार से आपको चरण दिया गया होगा, फिर अगला चरण देखिए, सभी चरणों में क्या असमान पाया जाता है, असमान विशेषताएं पाई जाती हैं, ये बातें क्या सही है, स्टेजेस असमान प्रतिक्रिया है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक और ये मूर्त संक्रियात्मक, ये औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अलग अलग गुण पाए जाएंगे, देख पा रहे होंगे। चलिए चर्चा कीजिए, कहां पर दिक्कत हुई असुविधा हुई, चर्चा करें। मेटा कॉग्निशन ना बुद्धि वगैरह चैप्टर, मतलब एक अलग चैप्टर में देखेंगे, अभी जो है ना आपको केवल ये बता दिया कि आप समस्या समाधान संज्ञान वगैरह सबको नियंत्रित करने का काम करते, अभी तो केवल याद रख ले आप, उसके वो अलग से चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्त, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, बाकी चीजें नहीं, बाकी विचार नहीं। देखिएगा संवेदी गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, क्या क्या विशेषताएं पाई जाएंगी, जैसे वस्तु अस्थायित्वता मिलेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, परमानेंट होने का गुण वस्तु का, आगे देखेंगे अभी तो फिलहाल पढ़ लेते हैं। मूल क्रियाओं पर आधारित मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, मूल क्रियाओं पर आधारित लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कैसा व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या एम ओरिएंटेड, एम डायरेक्टेड बिहेवियर, किस अवस्था में पाया जाएगा, 0 से 2 वर्ष। रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में,
आंख नाक कान मुंह त्वचा यानी पांच प्रकार के सेंस ऑर्गेन से अनुकरण इमिटेशन करके सीखेगा। संवेदी संवेदनाएं, संवेदी अंग जिसे कहेंगे। आइए दूसरा प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या जीववाद पाया जाएगा क्या या सजीवता एनिमल्स, निर्जीव को भी सजीव समझना। अहम केंद्रितता, उम्र थोड़ी बड़ी हुई बोलचाल शुरू कर दिया तो बच्चे के विचार अहम केंद्रित हो गए, ईगो यानी मैं पर आधारित, मैं पर सेंटर्ड, मैं जो बोल रहा हूं मैं जो कर रहा हूं वही सही है। प्लीज पे अटेंशन। केंद्रीयता या संकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण यानी किसी एक गुण को देखना, किसी एक पक्ष को देखना। कल भी पहले वीडियो में आपने देखा था सेंट्रलाइजेशन, सेंटर यानी कि सेंट्रेशन, सेंटर को देखना। दो कटोरी है, एक लंबी वाली कटोरी है, दो मार्कर है, दोनों वही सेम रूप रंग का है, खाली इसको उठा दीजिए। बच्चा बोलेगा यही बड़ा है, कौन बड़ा है क्योंकि ये उठा हुआ दिख रहा है उसको, जबकि दोनों एकदम समान है, बोलेगा ये बड़ा है। कहने का अभिप्राय है एक पक्ष को देख रहा है बंदा, और कई सारे पक्ष को देखेगा तो विकेंद्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकेंद्रण। ये देखिए विकेंद्रीकरण तीसरी अवस्था में मिलेगा, डिसेंट्रेशन है ना, यहाँ पर आपको तीसरे में पलटा भी पलट सकता है, उत्क्रमणशीलता उत्क्रमित कर सकता है, और यहाँ अनुत्क्रमणशीलता अपलटा भी, क्या मिलेगा आपको अपलटा भी अनुत्क्रमणशीलता, छोटी उम्र भी तो छोटी है दोस्त, अनुत्क्रमणशीलता असंरक्षणवाद, असंरक्षणवाद। इस उम्र के बच्चे को पटना जाके छोड़ दीजिए फिर भागलपुर चलाएगा, रोएगा। आज का बच्चा आ भी जाता है, 10 वर्ष 11 वर्ष का बच्चा दामधर खाजे बिस्लड़ी बिस्लड़ी जाएगा यहाँ से ट्रेन पकड़ के जमालपुर, जमालपुर से भागलपुर आ जाता है 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष का बच्चा। तो यहाँ पर पाया जाएगा संरक्षणवाद साहब, मैंने किसी मूल बिंदु से चलकर गंतव्य स्थान पर पुनः वापस आ जाना, संरक्षणवाद कंजर्वेशन। आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते ही आप, ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना तो केवल रूपांतरण होता है। आर्किमिडीज बोल रहे थे, पता नहीं जो भी बोल रहे थे देख लीजिए, हाँ वही बोल रहे थे। पुनः देखिएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में ही पाया जाएगा आपका लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, क्या मिला लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, क्या मिला गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बोलिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मूल क्रियाओं पर आधारित अंतर कुछ बुझे, मूल क्रियाओं पर आधारित दिया रहेगा और उसके साथ लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, उसके साथ मूल प्रवृत्ति आत्मक व्यवहार, तो किसमें चले जाएंगे? अछुच्चा छुच्ची दिया रहेगा, किसमें जाएंगे? क्या होता है सर साहब, टॉय वगैरह या दूध का बोतल वगैरह, किसी वस्तु को मूल क्रियाओं पर जो मूल प्रवृत्ति है उसकी, रोना हंसना निन्नी करना माने नींद वगैरह, माने मूल प्रवृत्ति आत्मक क्रिया पर आधारित व्यवहार होता है, और यहाँ पर जनरली जो है खेलना यदि लक्ष्य है उन पर आधारित होता है। नहीं समझे? समझना नहीं, याद रख लेना है, आपको समझ चुके हैं ना। हाँ ये तो केवल फसे की बातें, नहीं समझे समझेंगे कैसे नहीं, तो फिलहाल तो आप इतनी बातें याद रखने, वरना ऑनलाइन प्रश्न बनाइए और दिमाग की बत्ती जलेगी, हाय सर कभी ये उत्तर ले लिया है, कभी ये उत्तर ले लिया है, कभी चला गया संविधि में, कभी चला गया प्री ऑपरेशनल में, सोचते रह जाइएगा, चक्कर गिननी बन जाइएगा, और 90% शिक्षक भी नहीं बताते हैं, मतलब इतना टाइम क्या खोटी करना, बस वही जी बात वही जो पलटावी और पलटावी जो मूल मूल चीजें हैं बस वही बता करके निकल गए। तो खैर अपन बड़पन नहीं मारना है। देखिएगा मुद्रा संप्रत्यय, लंबाई,
धूड़ी भार आदि की समझ, रुईया इतना सारा दे दिया एकदम से, और इतना सा लोहा दे दिया। बच्चे को बोलिएगा कौन में वजन ज्यादा होगा, बोलेगा वजन ज्यादा रुई में होगा। मुद्रा की भी भार की समझ हो विकसित रहती है। करेंसी का कॉन्सेप्ट, ढेर सारा सिक्का भोला बाबा बना दिया और यहाँ पर 2000 नोट रख दिया, अब उठाओ लल्टुसिया, रे ननका उठाओ रे, जगेसरा को दीजिएगा, तो जगेसरा यही 2000 नोट में उठा करके ढेर सारा भोला बाबा उठा लेगा। छोटा बच्चा ना, कोई जगेसर है तो माफ कीजिएगा, आई एम यूजिंग कॉमन नाउन नॉट पार्टिकुलर, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, मैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहा हूँ, न तो लतियाने न चले आइएगा। क्या है जी डीटीए भागलपुर, हमर नाम ले लिया दोस्त, आपको प्रणाम है, चचा दादा है तो आपको गोरे लगते हैं, साष्टांग लेट कर देखिएगा। मुद्रा सब जगेसर वाला कोई कॉन्सेप्ट है तब फेकनो वाला कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा मुड़ी आ जाएगा तब। मुद्रा संप्रत्यय लंबाई दूरी भार की समझ अविकसित रहती है किस अवस्था में, कॉन्सेप्ट लेंथ डिस्टेंस वेट कॉन्सेप्ट अंडर अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड। प्रतीक चिन्ह पर आधारित विश्वसनीय खेल, प्रतीकात्मक खेल कल भी ना बताया, प्रतीक पर चिन्ह पर आधारित विश्वसनीय खेल, चोर सिपाही वगैरह पुर्जा फाड़ लेगा, इसको दे देगा 100 अंक, इसको दे देगा राजा को 1000 अंक, चोर को दे देगा 0 अंक, चोर को 0 अंक, कहे तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे, तो प्रतीक पर आधारित है। चोर तो इतने चोरी कर लेता है धन्ना सेठ हो जाता है, राजा हो जाता है, तो राजो कभी कभी रंक हो जाता है, उसको भी 0 अंक। ये सब क्या है, प्रतीकों पर आधारित एक विश्वास, बिलीफ प्ले, कल्पना में है, क्या है कल्पना में है कि रे तुम चोर बनो, हम जो है लुका छुपी खेलेंगे आस पास, गुनवा घप्पो, तो वो वास्तव में चोर नहीं है, लेकिन खेलने में हम लोग प्रतीक बना देते हैं। फिर सुनिएगा, इस प्रकार से जैसे अष्टाचंगा पे इस प्रकार लंगड़ी खेला होगा आपने, 1 2 कित 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 कित, 3 ऊपर में 4 पॉइंट्स था, 6 अब बताइए मुझे ये प्रतीक कल्पना पर आधारित खेल है कि नहीं है, 6 7 8 जो भी हो है, देखिए लंगड़ी ऐसे ऐसे कित कित था कित कित, और जहां पर खलिया आ गया वहां पे था, सबसे गोर रख देना है, अब फिर ऐसे करके उछल के पलटना है कित, अब टच हुआ लाइन को कहानी खत्म है, आप आउट हो गए। खेले हैं ना जी, देखे तो होंगे, हम ही खचड़ा है जो खेलते हैं इस सब, यहाँ जाने के बाद यही करेंगे गुरघंटा भी। तो ये सब कल्पनाओं पर आधारित खेल है, 2 से 7 वर्ष काल्पनिक खेल, बोलिएगा बिलीफ प्ले, सिंबॉलिक प्ले, इमेजिनरी प्ले, रिलेटेड ऑन साइन एंड सिंबल। ऑनलाइन प्रश्न उठाइए, 9 से 10 प्रश्न पूछ लिए गए प्रत्येक दिन सेट में, लोग क्लियर ही नहीं करते ये होता क्या है, है ना, सिंबॉलिक प्ले बिलीफ प्ले किस अवस्था में पाया जाएगा दोस्त, आइए स्थूल या ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तीसरी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए विकेंद्रण पाया जाता है, बोलिएगा विकेंद्रण, किसी वस्तु के सभी पक्ष को देखना, बोलिए किसी वस्तु के एक ही पक्ष को देखना क्या कहलाता है, यहाँ उंगली चला रहा है फिर भी विकेंद्रीकरण बोल रहे हैं, एक पक्ष को देखे एक भाग को देखे तो केंद्रीकरण, अलग अलग सही भागों को देख लिया तो विकेंद्रीकरण। बोलिएगा पलटा व्युत्क्रमणशीलता रिवर्सिबिलिटी रिवर्स करने का गुण पाया जाता है, संरक्षणवाद पाया जाता है, समूहीकरण, बटन दे दिया बटन विभिन्न प्रकार का नीला हरा पीला बटन मिक्सअप कर दिया, रे बेटा नीला को अलग करो काला को अलग करो, सम संख्या विषम संख्या का चुनाव करो समूह में लगाओ, सम संख्या कौन सम सर, सम संख्या पे घेरा लगाओ, घेरा लगाने के लिए हिसाब दिया करते हैं,
तो समूहीकरण, वर्गीकरण, ग्रुपिंग, अच्छा क्रमिकता, सीरिएशन सीरीज में लगाने के लिए, संख्या श्रृंखला वाला हिसाब सीक्वेंस, आरोही क्रम अवरोही क्रम होता है विकसित। बताइए उम्र क्या है, इसी में जाएंगे, नंबर संख्या श्रृंखला पैटर्न वगैरह। ओके जी, सकर्मक क्या दिया गया है, सात कर्मक कर्म, सकर्मक अनुमान क्या दिया, ट्रांजिटिव थाउट, ट्रांजिटिव थाउट इसी अवस्था में पाया जाएगा, सकर्मक अनुमान यानी इस तीसरी अवस्था में प्रारंभ होने लग जाता है तर्क वितर्क यानी अमूर्त चिंतन, बोले तो तार्किकता प्रारंभ होने लग जाती है, बच्चा अनुमानों के भी कौशल को विकसित करना प्रारंभ, विकसित चौथा में जाएगा, यहाँ प्रारंभ जी, ट्रांजिटिव था वो, मम्मा मैं क्यों नहीं खाऊं, मम्मा मम्मा मैं मोटा कैसे होऊंगा, मम्मा मम्मा डॉक्टर कैसे बन, मम्मा डॉक्टर कैसे बनता है, पुलिस कैसे बनता है, चोर को कहां ले जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न बच्चा शुरू कर देता है पूछना। आगमनात्मक तर्कना क्या लिखे हैं दोस्त, आगमनात्मक तर्कना, अगले में निगमनात्मक देखेंगे। देखिए इंडक्टिव माने ज्ञान तू मुझ में आ, आगमन विधि, आगमन ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञान का आना आगमन आ, उदाहरण देते हुए तब नियम को प्रकट करना। देखिएगा आगमनात्मक तर्कणा इंडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में पाया जाएगा, तीसरी अवस्था में, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और अगले में देखेंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग, अगला जो देखेंगे ना हम लोग निगमनात्मक, बोलिएगा निगमन विधि,